मेरा सवाल सीधा है, कल कांग्रेस ने एक पहला वादा किया कि हम महिलाओं को 1500 रुपए हर महीना देंगे। मेरा सवाल है, ये 1500 रुपए का जो ये बजट है हजारों करोड़ का, कितने का बनेगा, ये पैसा कहां से आएगा? हम ओपीएस देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, यानी किसी सरकारी कर्मचारी की 1.5 लाख सैलरी होगी आखिरी, तो उसको 75,000-50,000 पेंशन देंगे। ये उस प्रदेश में वादे किए जा रहे हैं जिस पर 70,000 करोड़ का कर्ज है, जिसे सरकारी कर्मचारियों को अगर अपनी सैलरी देनी है, एरियर देना है, तो केंद्र सरकार के पास जाना होता है वहां पे कि हमें थोड़ा कर्ज दे दीजिए 400-500 करोड़ हर 4 महीने बाद, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, वो 500 करोड़ 300 करोड़ हर 4 महीने लेती है। तो क्या सिर्फ घोषणा पत्र में वादे कर दिए जाते हैं, कैसे पूरे होंगे, क्या इसका असर होगा आफ्टर एंड, पहले क्या इफेक्ट होगा, कुछ सोचा नहीं जाता है, कैसे ये वादे पूरे होंगे? सीधा सवाल रवि जी, मैं बीजेपी प्रवक्ता की अनवरत, अहंकार पूर्ण और कुछ मामले में असभ्य बहस देख रही थी, और मुझे उनका जो उन्होंने दृष्टि पत्र निकाला है उसको देख के एक ही चीज, एक शेर याद आता है कि सियासत कुछ इस कदर जनता पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर दृष्टि दान करती है, फिर चश्मे दान करती है। तो मेरा ये जो इतना सब सुनने के बाद और आपका सवाल को मद्देनजर रखते हुए आपको मैं बताऊं, मैं मध्य प्रदेश से आती हूं, जिस राज्य का बजट 2 लाख करोड़ है और जिसके ऊपर जो कर्ज है वो 3 लाख करोड़ का है। आपका सवाल सही है, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार आई है आप देख लीजिएगा, हमारा एक तो हमारा जो विदेशी मुद्रा का भंडार है अभी कम हो रहा है और कर्ज बढ़ रहा है, हमारे बजट के बराबर कर्ज पहुंच रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास स्किल नहीं है और अच्छे लोग नहीं है, और लोग आते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं। तो कांग्रेस को अनुभव है, कांग्रेस ने पहले भी, हम देखिए प्रक्रिया की इज्जत करते हैं, प्रोसीजर्स से काम करते हैं, हम ये भी समझते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, एडहॉक में काम करने के लिए हम एक चीज सुधार कर दूसरी चीज बिगाड़ दें ऐसा नहीं करते। यहाँ पर जयराम रमेश की सरकार का काम इतना खराब रहा है कि उनके पोस्टर तक प्रधानमंत्री आने के समय निकाल दिए जाते हैं, यहाँ वोट 370 पर मांगा जा रहा है। और भ्रष्टाचार का ये आलम है कि यहाँ एक मंत्री है, उन्होंने अपनी वाइफ को लेक्चरर बना दिया, 4 ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को कॉन्ट्रैक्टर बना दिया, अवैध उत्खनन देख लीजिए, नशा देख लीजिए, यहाँ बहुत हाल बेहाल है। और घोषणा पत्र में इन्होंने जो पिछली बार लिखा था, जो भी इनका संकल्प या दृष्टिहीन पत्र था उसमें जो भी इन्होंने लिखा था, उसमें से ना तो 69 हाईवे बने हैं, ना लोगों को 4 गुना मुआवजा मिला है, यहाँ घोटाला हुआ, जब रेनकोट बेच दिए गए पीपी किट की जगह तो राजीव बिंदल जो इनके अध्यक्ष हैं उनको इस्तीफा देना पड़ा। मैं हिमाचल की जमीन पर हूँ, मैं जमीन पर रही हूँ, और यहाँ पर मैं बीजेपी प्रवक्ता की तरह बैठकर उत्पटांग बातें नहीं करना चाहती। जो असभ्यता में राहुल गांधी को झूठ बोल रहा है कह रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि झूठ बोलने का रिकॉर्ड, जुमले का रिकॉर्ड तो बीजेपी के नाम है। नहीं, नहीं। हमेशा ये वो काम अनुमा जी, मेरा बड़ा सिंपल सवाल था कि 1500 रुपए हर महिला को, 1500 रुपए हर महिला को दिए जाएंगे, मुझे आएंगे कहाँ से, इतना पैसा कहाँ से आएगा, समझ रहे, कितने हजारों करोड़ का ये बजट हो जाएगा, ये कहाँ से आएगा? अनुमा जी तो बोलूंगा रवि जी, वही आपको मैंने सबसे शुरू में बताया, जिसे आती हूँ बजट मैनेजमेंट समझती हूँ, तो आपको समझा सकती हूँ कि जो सरकारें होती हैं, जो रेवेन्यू होता है, अगर वो उसको सही तरीके से खर्च करें, उनको रिसाइकिल सही तरीके से किया जाए और अपने खर्च घटाए जाएं, जो कि ये सरकार जो है जयराम रमेश की सरकार, जयराम ठाकुर की सरकार ही नहीं, बीजेपी की सरकार खर्चीली है, वो ऐसी जगहों पर खर्च करती है जहां पर जरूरी नहीं होता, उनको कम करके अपनी रेवेन्यू को सही तरह से चैनलाइज करके और बजट के मिलने वाले पैसे को उसी साल में खर्च करके, इसी तरह से कांग्रेस की सरकारें काम करती आई थी और 68 साल बहुत अच्छे से चलाया था। हम केवल लफ्ज़ों को बिलीव नहीं करते, हम काम करके दिखाते हैं। आपके दावों के बारे में नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।